अब एक को नहीं खाना है, एक को फ्राइड राइस वगैरह नहीं खाने हैं, उनको खानी है चपाती। तो सुबह बनी थी पालक की सब्जी, थोड़ी सी वो है और दही है, वही दूंगी उनको। भगवान कसम चक्कर आ गया। तो चलिए बनाते हैं फ्राइड राइस। उस समय तो नहीं बना, अब रात में बन रहा है। डालेंगे सब्जियां, तो ब्रोकली भी डाल दी है मैंने इसमें, और ये देखिए लाल खड़ी मिर्च भी डाल दी है। तो सब्जी को बहुत गलाएंगे नहीं। और चावल भी देखिए अपने कितने खिले खिले हैं, ये देखिए। इसी के साथ सब्जी में डालेंगे हम नमक, चावल में भी नमक है और सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए हिसाब से ही नमक डालेंगे थोड़ा। और काली मिर्च पिसी हुई ख़त्म है, तो डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ही ऐड करूँगी इसमें मंचूरियन पाउडर है, मेरी बेटी ने मंगाया था ये, और ये तब से रखा है तो वेस्ट तो कुछ भी नहीं होने देंगे हम, तो थोड़ा सा हम इसी में डाल देंगे ये। साथ में ही डाला है राइस मैंने। वीडियो हो गया था बंद 2 मिनट के लिए अपने आप से ही, तो इसी में डाल देंगे हम विनेगर। तो साथ में ही डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी सोया सॉस। तो कर लेते हैं फटाफट से इसको बहुत अच्छे से मिक्स। फर्स्ट क्लास बनके रेडी है, तो करते हैं फटाफट इसको सर्व। तो देखिए बनके कितने अच्छे रेडी हैं अपने, ये देखिए। और मंचूरियन बाजार से मंगाया था, वही सर्व कर दिया है, थोड़ा सा बस इतना ही बचा था, ज्यादा किसी ने खाना नहीं है। और समोसे भी बचे हैं, सब बचे हैं, और ये तो बिल्कुल यमी सा बन गया है, पेट मेरा भरा है, पेट बिल्कुल भरा है, नहीं तो जरूर ट्राई करती। और स्मेल से ही पता लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं, देखे आते हैं लोगों को। हेलो क्वींस, वेलकम फ्लेवर टेलर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और सब मस्त होंगे। तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। और आज बनाया तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ब्लॉग शूट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा कल का बचा हुआ था जो मैंने रात में बनाई थी फ्राइड राइस, उसको शूट कर लिया था। तो मैंने कहा दिखाऊंगी आप लोगों को कि देखिए मैंने रात में भी कल काम किया था, ऐसा नहीं है। और बाकी तो जो आज होली पे जो भी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं, और बस कचौड़ी है, दही बड़े हैं, बस ये बनाऊंगी। बाकी तो आपको मालूम है कि सब आ ही गया है, तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेक भुजिया बाज़ार से मंगा ली है मैंने, तो काम उससे चल जाएगा हमारा। और बाकी ये देखिए दिखाती, ये देखिए ये दोपहर का खाना बन के रख गया है, और इधर ये मिर्चा काट के रख गई है पूजा। अचार डालना है क्योंकि पूजा का भी बिना अचार से काम चलता नहीं है। और ये रही बेसन की बर्फी, जो कि पूरी घर की ही बनी हुई है, बहुत अच्छी पैकिंग में सामान आया था। और ये है देखिए कांजी के बड़े हैं, इसमें रसगुल्ला है और गुजिया है, मीठे पारे हैं, सांखें जिसको बोलते हैं बहुत से लोग, उसमें मटरी है, इसमें काजू है, और काजू ओरिजिनल वाले ही काजू हैं, मैदा वाले काजू नहीं हैं। तो ये चीज़ें बेटे की ससुराल से आई हैं सब चीज़ें, और गिफ्ट भी आया है मेरे लिए, वो मैंने उठा के रख दिया है।
और दिखाऊंगी आपको। मैं बताऊं एक चीज़ कि आज मुझे लगता है कि बेटा क्यों चाहते थे लोग, बेटा होने का बेनिफिट मुझे आज दिख रहा है कि हमें कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, सब कुछ आ गया है इतना ज़्यादा, क्योंकि इतनी तो अब पहले जैसा तो है नहीं है कि भर भर कनस्टर लोग बनाते थे और खाते पीते थे। अभी तो इतना जितना आया है ना, यही काफ़ी दिन चलने वाला है। और ये देखिए कितना अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, टू माई फ्यूचर फैमिली, तो बहुत ही बढ़िया लिखा के आया है, बिल्कुल सटीक जो जिस चीज़ के लिए लिखा होना चाहिए। पैकिंग देखिए बहुत सुंदर पैकिंग आई थी, और ये लिखा है, और ये लिखा हुआ है क्योंकि कांजी बड़े अभी तैयार नहीं थे खाने के लिए, तो स्टॉप द स्नैक्स इज नॉट रेडी टू येट। और ये इसमें था मेरे लिए सरप्राइज़, तो वो भी बहुत मज़ेदार है था, अभी नहीं दिखाऊंगी। और ये तो गारंटेड लिखा था कि डिलीश, मतलब गारंटेड, देखिए आप पढ़िए, सेटिस्फेक्शन तो होना ही होना था इसको खा के। और ये रही गुजिया, होली पे यदि गुजिया नहीं आई तो सब फीका, तो गुजिया इतनी टेस्टी है, इतनी टेस्टी है बता ही नहीं सकती मैं। और ये देखिए सुबह के टाइम मैं उठ गई थी और जल्दी 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 से नहा लिया था, फिर मैंने कहा चलो सब भर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारा आया था, तो पूरा तो डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते, तो थोड़ा थोड़ा मैंने जार में भर के रख दिया था, बाकी अंदर स्टॉक कर लिया था। और सच में मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और मैं मनी मन इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी ना, तो मैंने बेटे को भी फ़ोन लगाया बाद में, मैंने कहा भाई आज तो मज़ा आ गया। होता क्या है जब ये देखिए लेने देने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन इतनी खुशी होती है, थोड़ा सा भी कोई आपके लिए करता है ना, एफर्ट डालता है, तो अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। जो भी खर्च करेगा तो अपने नहीं, खर्च करो, खर्च करोगे तभी तो कमाओगे, है ना, लेकिन जोड़ो भी, जोड़ता खाता नहीं चाहिए, जोड़ो भी। पर ये है कि इधर उधर की चक्कर में ज्यादा रहता है, घूमने का बहुत मांगता है, इतना घूमने को मांगता है कि हम परेशान, जैसे टेंशन होती भाभी दूर दूर चला जाता है तो उसमें भी मन नहीं लगता घर में। कल से मुझे रात में दो तीन बार नींद पूरी हो रहा, अचानक एकदम हद से हो जा रहा, फिर एकदम नींद लग जा रही, फिर हो रही, बस माता रानी अच्छे अच्छे गया, अच्छे अच्छे आ जाए, अपने घर का नहीं बना पाते है, अरे धूप बहुत तेज, गर्मी बहुत तेज होने लगी, बगल में जा रही है, आजकल तो काम दो तीन दिन से, तो काम भी तीन चार दिन से सही चौट कर रही है, हम रोज कह रहे पूजा तुम अब काम मन लगा के कर रही हो, ऐसे ठीक से किया था बेटा काम, देखो अपना बाप नहीं होता आजकल के जमाने, मेरा बाप ने लड़की की शादी में चैन दे गया था, चैन ही तो दे गया, अभी भतीजी की शादी हुई तेरी बिटिया चैन ले आना, अच्छा बाप है अपना, सर्विस करता था, लेकिन लड़की हूँ ना, लड़के के लिए तुम सोच रहे हो, लड़के के लिए तो नहीं सोच रहे ना, वही मैं कह रही हूँ कि आजकल आज अपना बाप नहीं होता तो तो इससे कहते हैं कि भैया तुम अगर अच्छे से काम करोगी, दिल जीते रहोगी, तो देखो सब सब तुम्हारा हम समझेंगे, तुम हमारा समझो, हम तो सीधी बात जानते हैं, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक हम भी तुमको समझेंगे। दस या पंद्रह या साल हमने काम किया, हमने कभी हमारी सामने आमने बात नहीं किया, मतलब लेने देने की, लड़ाई झगड़ा की कोई बात ही नहीं हुई है, किसी कोई बात नहीं होती। चांदनी करती थी, देख लो चांदनी किसी और घर नहीं कर पाई, नहीं कर पाई, उसको यहाँ के अलावा कहीं पसंद ही नहीं आता, बस यही करती थी,
यहीं से देखो उसके झगड़ा झंझट कितना मचा था उसके, यहीं से थाना कचहरी करके उसके उसको यहीं से हमने विदा किया, यहीं से विदा की हमने, कहले तेरी विदाई यहीं से ली थी। सही बात है ना, हमने तो पैकिंग इतनी जबरदस्त आई थी, पैकिंग के ऊपर जो लिखा था बिटिया रानी ने जो भी, तो इतना बढ़िया सटीक लिखा हुआ था ना, मैं आपको डालूंगी उसकी वीडियो बनाती, लेकिन मैंने केवल पिक खींच ली थी पैकिंग की, क्योंकि मुझे पैकिंग इतनी सुंदर लग रही थी, और मतलब पैकिंग के साथ साथ जो उसमें स्लोगन लिखा था ना वो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, एकदम सोच समझ के लिखा गया था, तो बड़ा ही मन खुश हो गया। देखिए चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो कम ज़्यादा अच्छी बुरी हो सकती हैं, लेकिन एक प्यार से जो उसने जो चीज़ मतलब दिमाग से सोच के जो लिखा, और वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और प्लस उसकी मम्मी ने सारा कुछ घर में बनाया है अकेले, हम लोग तो नहीं कर सकते इतना काम अब आजकल, वो खोया तक घर में बनाते हैं, तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा उन्होंने भेजा। तो मैं यही बात बोल रही थी कि भैया बेटा होने का बेनिफिट तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि बेटा क्यों चाहिए, बेटा इसी दिन के लिए चाहिए होता है। नहीं तो मुझे खुद बनाना पड़ता घर में, थोड़ी बहुत मटरी बनाओ, ये करो वो करो, मैं उन चीज़ों से बच गई। चलो भैया टेस्ट सबके लिए आ गया, सब लोग अपना खाओ इंजॉय करो, इसी में मेरे मेहमान भी निपट जाएंगे और आराम से होली मेरी बीत जाएगी। बस आज मैंने घर में केवल अब दही बड़े बनाने हैं और कचौड़ी बनानी है, अभी रात में बनाऊंगी वो, और सब्जी बन जाएगी पनीर वगैरह की जो भी ये लोग बोलेंगे, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं है, और इतना ज़्यादा खाना बना के रख लो फिर खाने वाला कोई नहीं होता है तो वो भी वेस्ट जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अब बनाने की उसमें नहीं पड़ती हूँ। तो जो कचौड़ी बनाऊंगी दही बड़े बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, उसका ब्लॉग जाएगा आपको कल। और दोबारा से करती हूँ होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और ज़रूर से रंग खेलिएगा, रंगों का त्यौहार है तो रंगों से परहेज मत करिएगा। मेरा तो अभी कोई ठीक नहीं है, शायद मैं ना भी खेलूं, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं तो देखेंगे, शायद नहीं भी खेलेंगे। और अभी तो आ गया था वहाँ से सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो देखिए मैं बुक आज मैंने बुक निकाली है संत साहिब की, ये लिखी हुई है देखिए, ये देखिए डॉक्टर योगेश्वर जी की लिखी हुई है, और इसको पढ़ने से भी बहुत अच्छा लगता है, ये संस्कारिक मतलब धार्मिक तो नहीं बोल सकते हैं इस किताब को हम, लेकिन ये अपने संस्कारों के बारे में है, बहुत अच्छी बुक है। और ये देखिए मांगे में जाती है, मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी बुक्स थी और जो भी ले जाता था ना वो बुक वापस ही नहीं करता था, तो आप भी कभी भी कहीं से किसी से भी बुक लीजिए ना पढ़ने के लिए, तो लीजिए ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसको वापस भी कर दिया करिए, क्योंकि हमारा अपना एक कलेक्शन होता है, जब हम एक एक बुक को जोड़ते हैं तो पूरा एक लगता है कि हाँ हमने इतनी बुक्स जोड़ ली है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, वो सारा मेरा कलेक्शन ही गायब हो गया, थोड़ी बहुत बची हैं बस, ठीक है। तो अभी क्या है हिंदी की बुक्स जल्दी मिलती भी नहीं है, और अब ऑनलाइन का भी हो गया है कि ऑनलाइन आप परचेस करके ऑनलाइन में ही पढ़ लेते हैं, तो लेकिन जो किताब जब ख़रीदते हैं ना बुक, और उसकी जो महक होती है इतनी अच्छी लगती है कि बस पूछे ही नहीं। तो चलिए बातों का तो कोई अंत नहीं है, और आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। ओके बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए।